अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि इसके तहत राजनीति हो रही है। बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा मुद्दा नहीं है। बिहार में आरजेडी के कई नेताओं की ओर से इस पर विवादित बयान भी आ चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने खुद लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था कि तबीयत खराब होगा तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने मंगलवार यानी कि 9 जनवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि तेजस्वी ने पूछा, इलाज कराना है तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल? भाई ये बताओ, सब परिवार मुंडन करना है तो सैलून जाओगे कि तिरुपति के बालाजी मंदिर? भगवान श्री राम श्री कृष्ण का मंदिर अयोध्या मथुरा में नहीं तो यरूशलेम में होगा। धार्मिक तुष्टिकरण व मुस्लिम परस्ती के लिए किस हद तक गिरोगे? तेजस्वी यादव 3 जनवरी को मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी के झंझारपुर में पूर्व सांसद प्रोफेसर रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मन में और दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और राम राम जपते रहेंगे तो राम आप पर कृपा नहीं करेंगे। अच्छा काम करिएगा तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। पैर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाइएगा कि अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाइएगा। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना? मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? बोले थे। अगर यही बतवा आप पूछ रहे, मोदी जी बताइए कि आप 2 करोड़ रोजगार दीजिएगा हर एक साल, अब तो रेलवे में सब बैठा दिए, सबका निजीकरण कर दिया, रेल सेल भेल सब बेच दिया, जहां बेचना था बेचे, जो करना है कर ही रहे। लेकिन लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अब उसमें हम क्या कर सकते। लेकिन आप सबको जागना करो, आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में देवा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाई? बताओ आपको क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल ही बात है। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए थे रूपा, तो श्रद्धा है, हम तो मानते हुए। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है, जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से भी माफ कर दिया, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कह रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना, जहां नीयत साफ है वही भगवान है। लेकिन बता दें कि निखिल आनंद से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी अस्पताल और मंदिर के महत्व को समझाते हुए तेजस्वी के बयान पर जवाब दिया था। नित्यानंद राय ने कहा था कि जो लोग बोलते हैं कि जब कोई बीमार पड़ेगा तो मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा, उनको पता नहीं है कि अस्पताल की जरूरत होगी तो अस्पताल में जाएगा और जरूरत होगी तो मंदिर में जाएगा। मंदिर और अस्पताल दोनों महत्वपूर्ण हैं।